भारतात सोन्याइतकंच चंदन बहुमूल्य आहे. भारतात चंदनाच्या झाडामध्ये सुगंध आणि तेलाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळतं आणि त्यामुळेच भारतीय चंदनाला मोठी मागणी आहे आणि यासाठीच चंदन लागवडीकडे शेतकरी आकर्षित होतात. परंतु शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं चंदनाची लागवड कशी करावी याची माहिती नसल्यानं मोठ्या प्रमाणात फसगत होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळंच आज आपण चंदनाची लागवड शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं कशी करायची याची माहिती जाणून घेण्यासाठी थेट जाणार आहोत बंगळुरू इथल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड अँड सायन्स टेक्नॉलॉजीचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर सॅम विश्वनाथ यांच्याकडे. चंदनाचं शास्त्रीय नाव सँटलम आहे. जगभरात सँटलमच्या 17 जाती आढळतात. भारतात सँटलम आल्बम ही जात आढळते. चंदनापासून 5-7% तेल मिळतं. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनात चंदनाच्या तेलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. सँटलम आल्बम ईस्ट इंडियन सँटलम जिसमे 5-7% ऑइल कंटेंट है. वो ऑइल सबसे ज्यादा रूट्स में है, जड़ में, और वो जो स्टेम का बेसल पोर्शन बोलते हैं वो इसमें है. और ये चंदन का कीमती क्योंकि इतना ज़्यादा दुनिया में है क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक्स में इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. स्पेशली जो यूरोप में है और मिडिल ईस्ट में सबसे कीमती वाला जो परफ्यूम्स है वो इसमें चंदन ही है. चंदनाची झाडे नैसर्गिकरित्या कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळच्या जंगलात मोठ्या प्रमाणात आढळतात. जवळपास या तिन्ही राज्यातील 10,000 square kilometers क्षेत्रात चंदनाची झाडे होती. मात्र चंदनाच्या तस्करीमुळं जंगलातील चंदनाचं 95% क्षेत्र कमी झालंय. चंदनाचं आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन 2002 पासून चंदनाची शेती करण्यास केंद्र सरकारनं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमधील शेतकरी चंदनाची लागवड करू लागले आहेत. 2002 और 2003 के बाद इंडिया में पूरा कल्टिवेशन किसान लोग खेती करना शुरू हो गया और अभी सबसे ज़्यादा खेती हो रहे गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है काफ़ी, और अभी पंजाब में शुरू हो गया. तो जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ से बाहर हो गया, अभी खेती करना लग गया. और जब किसान खेती करते हैं तो इसके साथ फल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ करने लग गया. पहले तो वो फॉरेस्ट, जहाँ जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका नर्सरी रेस करते हैं उसमें चंदन के साथ एक सेकेंडरी होस्ट जो बोलते हैं वो फॉरेस्ट क्रॉप्स था. आजकल वो बदल गया, वो किसान जब खेती करते हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आने लग गया. और चंदन ये है वो हेमी पैरासाइट बोलते हैं, तो अपने आप नाइट्रोजन और उसका पोटाश नहीं कर सकते, वो दूसरा जो आजू बाजू में जो है पेड़ के जड़ में अटैच करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए वो हेमी पैरासाइट बोलते हैं. महाराष्ट्रातही चंदन लागवडीसाठी वातावरण पोषक आहे. विशेषतः कमी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात चंदन शेती फायदेशीर होऊ शकते. चंदनासाठी जास्त पाण्याची गरज नाही. चंदनाची लागवड पाण्याचा निचरा होणाऱ्या कोणत्याही जमिनीत करता येऊ शकते. डाळिंब, आवळा, आंबा, सीताफळ, लिंबूच्या बागेत चंदनाची लागवड फायदेशीर आहे. 6x3 meters अंतरावर चंदनाची लागवड केल्यास 1 hectare रोपं लागतात. चंदनाची झाडं स्वतःचे अन्न तयार करत नसल्यानं चंदनासोबत आवळा, डाळिंब, सीताफळ लावणं गरजेचं आहे. चंदन ऐसे पेड़ है वो सेमी एरिड रीजन्स में अच्छा आते हैं, ड्राई एरियाज में. इसमें ज़्यादा पानी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है. नेचुरली फॉर 500 millimeters रेनफॉल से इवन अप टू ओनली 1,600 millimeters रेनफॉल जहाँ उस तरह का एरियाज में अच्छा आते हैं, बेसिकली ड्राई रीजन्स. तो और किसी भी प्रकार की सॉइल में ही आते हैं, रेड सॉइल में आते हैं, ब्लैक सॉइल, काला वो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, वहाँ भी अच्छा आता है. बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो जो पिट्स उसमें लगाते हैं 60 cubic centimeter पिट्स या 75 cubic centimeter पिट्स, वो क्यूबिक मीटर
क्यूबिक सेंटीमीटर पिट्स, वो अच्छा है। और इसका स्पेसिंग नॉर्मली हम लगाते हैं, जब प्योर प्लांटेशन लगाना है तो हम 4x4 meter हम कर सकते हैं। 4x4 meter मेरे ख्याल से अराउंड 750 प्लांट्स पर हेक्टर वो आता है। और अदरवाइज हम तो हॉर्टिकल्चर स्पीशीज के साथ लगाना चाहते हैं तो हम तो 6x3 meter स्पेसिंग पे रिकमेंड करते हैं, मतलब बिटवीन द रोस 6 meters और विद इन द रो 3 meters। और उसका ठीक सेंटर पे हॉर्टिकल्चर स्पीशीज जैसे पोमीग्रेनेट या आमला, आमला सबसे बढ़िया होस्ट है, आमला और ये ग्राफ्टेड मैंगो और क्या सीताफल और सिट्रस भी होस्ट अच्छा है इनिशियल ईयर्स के लिए, वो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह का हॉर्टिकल्चर स्पीशीज इस्तेमाल करते हैं ये वाला स्पेसिंग पे। तो 6x3 में करीब 555 प्लांट्स पर हेक्टर डेंसिटी में आपको मिल जाएगा। चंदनाच्या झाडावर रोग आणि किडींचा मोठा प्रादुर्भाव होत नाही, तसंच फारशा रासायनिक खतांचीही गरज भासत नाही। सुरुवातीच्या काळात चंदनाच्या रोपांना 2 दिवसाआड फक्त 2 लिटर पाण्याची गरज भासते। जहां पाणी का कमी है 1-2 साल आप तो ड्रिप इरिगेशन कर सकते और 2 लिटर्स वन्स इन 2 डेज दैट वुड बी वेरी अच्छा ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होगा। जब आप हॉर्टिकल्चर स्पीशीज के लिए आपको इन ड्रिप लगाना, ड्रिप लगाते समय चंदन के लिए भी लगा लो, वो 2-3 साल उसका ये उसका फ़ायदा होगा, वो सर्वाइवल के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा चंदन के लिए हम तो मल्टी न्यूट्रिएंट स्प्रे डाल सकते हैं, स्प्रेइंग वंस इन 20 डेज या महीने में एक बार उसको कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे NPK वो भी करना चाहिए तो उसका ग्रोथ के लिए उसका फ़ायदा होगा। और दूसरा फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद वो सेकेंडरी होस्ट आप लगाएंगे तो उस समय वो उसका जड़, सेकेंडरी होस्ट का जड़ के साथ वो उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकते हैं थ्रू राइस हॉस्टोरियल कनेक्शन बोलते हैं। तो सेकेंडरी होस्ट से उसका पूरा जो है रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा उसी से लेते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ, ये फॉरेस्ट के ट्रीज के साथ और ये हॉर्टिकल्चर स्पीशीज के साथ, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन चंदन के साथ पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा फायदा है चंदन कल्टीवेशन के लिए। चंदन शेती फायदेशीर आहे, 1 किलो चंदनापासून 20,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळतं, तसंच 15 वर्षांच्या झाडापासून मिळणारं तेल यालाही मोठी किंमत असते, त्यामुळे चंदनाची लागवड केल्यानंतर बागेत चोरी होऊ नये यासाठी इलेक्ट्रिक कुंपण करणं गरजेचं आहे, तसंच बागेत मोठ्या प्रमाणात कुत्रेही पाळावे लागतात। चंदन शेती खर्चिक असल्यानं छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणार नाही, मात्र शेतकऱ्यांनी गट करून चंदनाची लागवड केल्यास चंदन शेती फायदेशीर ठरू शकते। चंदन आज के जमाने में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वुड है, सैंडल कल्टिवेशन इज वेरी प्रॉफिटेबल। और एक पेड़ मिनिमम हम रेकमेंड करते हैं रोटेशन मोर 15 ईयर्स और मोर, उसमें कम से कम अभी का प्रेजेंट वैल्यू है, रिटेल वैल्यू 1 kg सैंडलवुड कम से कम 20,000 रुपया है। यदि आपको वो ऑक्शन प्राइस आप देखोगे तो लास्ट पिछले साल का ऑक्शन प्राइस है सैंडल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑक्शन करते हैं, एवरेज प्राइस है 12,000 रुपीस पर kg, तो सोने जैसे हो गया। तो सोने तो आप, तो आप ये सोचो वो सोने आप बिल्कुल खुले आम से मतलब कल्टीवेशन कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन से, वो तो चोरी तो उसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको आजकल अनफॉर्चुनेटली वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो अभी बैंक्स थोड़ा स्कीम्स मतलब उसके बारे में वो सोच रहे, मतलब डेफिनेट स्कीम्स अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। ये इंश्योरेंस जैसे आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है ना, उस तरह का इंश्योरेंस चाहिए फर्स्ट गवर्नमेंट की तरह से, वो कोई स्कीम्स और बैंक्स शुड ऑल्सो उस तरह का स्कीम्स फ्लोट करना चाहिए। और आजकल जो किसान गुजरात वगैरह में कर रहे हैं वो एक तो वो फेंसिंग करते हैं बड़ा बार्बड वायर फेंसिंग और इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर इस्तेमाल करते हैं, और ये डॉग्स कुत्ते फरोशियस डॉग्स आपको पालन करना पड़ेगा,
तो ये दो तीन डिटरेंट्स है आजकल। लेकिन कुछ लोग ये भी है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक एज का ज़माना है, तो रिमोट सर्वेलेंस सिस्टम है, जैसे आपका होम सिक्योरिटी के लिए घर में आजकल अवेलेबल है वो रिमोट सर्वेलेंस सिस्टम्स, और इस तरह के इंफ्रारेड टेक्निक वगैरह यूज़ करके जो इंट्रूडर्स को डिटेक्ट करते हैं हीट वेव से, तो इस तरह का टेक्नोलॉजीज आजकल है, अवेलेबल है। हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम शेतीवर होतोय। हवामान बदलाच्या संकटाला चंदन शेतीचा पर्याय चांगला आहे। चंदन शेतीचा लागवड खर्च कमी आहे, पाणीही कमी लागतं, चंदनाच्या झाडांच्या संरक्षणाची सोय केल्यास चांगलं उत्पन्न मिळतं। महाराष्ट्रात फळबागा मोठ्या प्रमाणात आहेत, या फळबागेत चंदनाची लागवड केल्यास चांगलं उत्पन्न मिळतं, मात्र त्यासाठी चंदन शेती लागवडीचं प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे। बंगळूर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देतं। शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षण घेऊनच चंदनाची शेती केल्यास चंदन शेतीतले त्यांना खास खळगे कळू शकतील। खेती में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बीज की समस्या। उन्नत किस्म के बीज मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो बीज विक्रेता चंदन के बीज बेचते हैं उसकी विश्वसनीयता बहुत ही कम है। कैसे बीज से लिया गया है, उसको कब कलेक्ट किया गया है, वो अंकुर उसमें आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और इस क्षेत्र में पौधे उगाने की जो तकनीक है उसके बारे में जानकारी, उसका भी अभाव है। फिर कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जाए इन पौधों को, इस जानकारी का भी अभाव है। तो इन सब अभावों की पूर्ति के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है IWST, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है और इसकी एक स्वायत्त संस्था है, पर बहुत सारे रिसर्च कर रही है और किसानों को हेल्प करने के लिए हर एक साल दो बार फरवरी और मार्च के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में दो ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें कि किसान आ सकते हैं। किसान के अलावा और भी जिनको भी चंदन की खेती से मतलब है वो भी आते हैं और इसको अटेंड करते हैं। यदि इस ट्रेनिंग का डिमांड और भी ज़्यादा हो तो इस ट्रेनिंग को बढ़ा भी सकते हैं, दो बार के बजाय चार बार भी कर सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है वो नर्सरी कैसे उगाते हैं चंदन का, फिर पौधे के उगाने की विधि प्लांटेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में विस्तार से इस ट्रेनिंग को करवाया जाता है। तो इस ढंग से IWST पिछले 10 साल से 2006 से लगातार ये ट्रेनिंग करवा रही है और महाराष्ट्र के किसान भी यदि चाहें तो इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। फार्मर्स का जो ग्रुप है, मैं तो यही संदेश दूंगा कि IWST जो कि बेंगलोर में है वो आप लोगों को कोई भी तकनीकी जानकारी देने को तैयार है। यदि चंदन के खेती के बारे में आप सीरियस हैं तो आप यहाँ पर आएँ और हम लोगों के वैज्ञानिकों से जो उसका जो नोव है वो सीख करके अच्छी चंदन की खेती करें। आंतरराष्ट्रीय बाजारात चंदनाला मोठी मागणी आहे। चंदनाच्या किमतीत दरवर्षी 10-12% वाढ होते। उद्योगांप्रमाणेच भारतातील मोठ्या मंदिरांना चंदन मोठ्या प्रमाणात लागतं, त्यामुळे दरही चांगला मिळतो। सध्या भारतात ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणात चंदनाची आवक होते, त्यामुळे शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं चंदन लागवड करणं गरजेचं आहे। बंगळुरूहून दीपक क्षीरसागरसह सुनील जोशी, साम TV, मुंबई।